आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो MPDTE की काउंसलिंग होती है उसके अंदर जो टॉप के कॉलेजेस आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। वही सीरीज़ मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस इन UP हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद हरियाणा हो गया और बाकी स्टेट्स के भी मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले आज स्टार्ट कर लेते हैं MPDTE के अंदर आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से, उनके प्लेसमेंट और कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। सबसे पहला कॉलेज जो अपने जहन में आता है वो आता है SGSITS इंदौर। SGSITS इंदौर जो है यहाँ पे आपको CSE 10,000 रैंक के अप्रोक्स देखने को मिलती है। सेम रैंक पे आपको बहुत सारी NITs में आपको CSE मिलेगी, लेकिन ये आपको जो है राउंड 2 का मैं बता रहा हूँ MPDTE का। लेकिन अगर आप फिजिकल काउंसलिंग के अंदर जाते हो तो ये चीज आपको 40-50,000 के अप्रोक्स भी यहाँ पे CSE मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ इस कॉलेज में एंटर करना है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ आप जा सकते हो, वो कि 85,000 रैंक पे आपको ऑनलाइन राउंड में मिलेगा। फिर आप इंटरनल एक्सचेंज वगैरह करवा के आप टॉप की ब्रांचेस ECE CSE के अंदर भी जा सकते हो। ये कॉलेज बहुत टॉप का है मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर। यहाँ का एवरेज पैकेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख पर एनम के अप्रॉक्स है। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख पर एनम जो कि 2021-22 के बैच में यहाँ पे मिला है। सेकेंड नंबर कॉलेज के बारे में तो IIT DAVV जो कि इंदौर के अंदर लोकेटेड है, इसके अंदर CSE आपको 27,000 ऑनलाइन के अंदर मिलेगी राउंड 2 के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वही बात है, फिजिकल काउंसलिंग होती है जहाँ पे वहाँ पे आपको पहुँचना होता है, आपको वहाँ पे कॉलेज मिलते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, किस कॉलेज में आपको जाना है आपकी रैंक पे, जो कि आपको वहां पे अच्छी से अच्छी ब्रांच मिल जाए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं यहां पे आपको गाइड करने के लिए, आप बिल्कुल उस बात की टेंशन ना लें। 27,000 के अप्रॉक्सीमेटली CSE आपको यहां पे मिलती है और सिविल ब्रांच जो कि लास्ट ब्रांच यहां के 71,000 के अप्रॉक्स आपको इस कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। हाईएस्ट पैकेज 57 लाख पर एनम के अप्रॉक्सीमेटली मिलती है, एवरेज 6 LPA। इंदौर के अंदर पता नहीं क्या है, इंदौर के कॉलेजेस बहुत बहुत जबरदस्त हैं। साथ ही साथ मैं थर्ड नंबर पे आ जाता हूं, JEC जबलपुर। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। CSE 43,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको यहां पे देखने को मिलेगी और लास्ट ब्रांच मैकेट्रॉनिक्स जो कि 64,000 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है चूंकि यहां पे फी बहुत ज्यादा कम है, 14,000 अप्रॉक्सीमेटली पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ता है, इतनी सी फीस, इसलिए लोग मैकेट्रॉनिक्स भी यहां से कर लेते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं जिस कॉलेज में अभी हूं वहां पे मेरे से एक लड़का मिला था, वो जब हम लोग एडमिशन के लिए गए थे वो वहां कॉलेज छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसके पास उतनी फी देने को नहीं थी। और सच बताऊं तो वो चीज़ देख के मेरे मन में बहुत ख्याल आया कि मेरे मम्मी पापा जो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स के पैसों का सही जगह उपयोग करें, सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें। JEE जबलपुर, यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 18 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम। ये बहुत शानदार कॉलेज है जबलपुर के अंदर, फीस भी कम है, प्लेसमेंट भी बहुत शानदार है, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात मैं करता हूँ, चौथा नंबर MITS ग्वालियर, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि CSE आपको 42,000 के अप्रॉक्स में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज है, सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज भी है। अब ये क्या होती है, ये होती है जहाँ पे आपको फी ज़्यादा लगती है, कॉलेज खुद से फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे फी आपको उस ब्रांचेज के अंदर ज़्यादा लग जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम की एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ये स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, 90,000 के अप्रॉक्स, और यहाँ पे फी आपको ज़्यादा लग रही होगी। फिर सिविल ब्रांच जो कि लास्ट है, 1,08,000 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। डिटेल्ड कट ऑफ मैं आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ विजिट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 10 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 5.9 लाख पर एनम के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। MITS ग्वालियर भी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है।
फिफ्थ नंबर कॉलेज की मैं बात करता हूँ, UIT RGP। ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी कैंपस हो जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। CSE आपको 70,000 कैप्रोक्स देखने को मिलती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 1,62,000 कैप्रोक्स देखने को मिलती है। ये सिर्फ आपका ऑनलाइन का कट है, फिजिकल के अंदर यही CSE आपको 1.5-2 लाख पे भी मिलेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 6.5 लाख पर एनम। उतना बढ़िया पैकेज नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कैंपस वगैरह बहुत शानदार है RGPV का। एक्चुअली भोपाल के अंदर LNCT वगैरह भी है, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। वो चीज़ अपन फिल्टर कर रहे होंगे काउंसलिंग के टाइम में कि आपको एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ की फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, सिक्स्थ नंबर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि उज्जैन के अंदर लोकेटेड है, CSE। यहाँ पे आपको 1,12,000 के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलती है। यहाँ पे सिविल ब्रांच आपको 7,97,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल रही होगी। एवरेज पैकेज 3.5 LPA, हाईएस्ट 7.5 LPA। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। एंड एक्चुअली मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो CSE 1,12,000 है, लेकिन CSE 2.5 लाख पे एक स्टूडेंट है उसको भी यहाँ पे CSE मिली है। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि इतने पे मिलेगा इतने पे मिलेगा। सीट्स अगर खाली रह जाती है तो आपको आपकी रैंक जितनी भी हो आपको मिल जाती है ब्रांचेस, ठीक है। सेवन्थ नंबर बात करूंगा रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। यहाँ पे CSE आपको 1,42,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ का एवरेज पैकेज 3.5 LPA है। यहाँ के ज़्यादातर कोर्सेज NBA से अफिलिएटेड हैं, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली है। ठीक ठाक कॉलेज है, उतना बढ़िया नहीं है, उतना ख़राब नहीं है, मिड रेंज के अंदर कॉलेज यहाँ पे आता है। इंदिरा गांधी कॉलेज जो कि सागर के अंदर लोकेटेड है, CSE, यहाँ पे आपको 2 लाख रैंक के अप्रॉक्स देखने को मिलती है, और एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम, जो कि अपना लास्ट कॉलेज यहाँ का हो जाता है। फाइनली मैं यही कहते हुए कंक्लूड करूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कॉलेज एडमिशन के, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ और अंत समय तक आपके साथ रहूँगा। बस आप गारंटी लेता हूँ आपसे मैं ये कि आपको मैं कॉलेज दिला के रहूँगा, आपकी जितनी भी रैंक हो कोई भी रैंक हो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज आपको दिला के रहूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।